हाय वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जी हाँ, जिस नोटिफिकेशन का हमें बेसब्री से इंतजार था वो नोटिफिकेशन आखिरकार इंस्टीट्यूट ने दे ही दिया है। हमारा सीए का एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया है। जी हाँ, आईसीए हैज फाइनली पोस्टपोन ऑल दी एग्जाम्स, फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, फाइनल का हो या पोस्ट क्वालिफिकेशन हो, इंस्टीट्यूट ने सभी एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिए हैं। जो इंस्टीट्यूट आईसीएआई मई में एग्जाम्स कंडक्ट करने वाला था वो सारी एग्जाम्स अब 19 जून के अराउंड स्टार्ट होगी और जुलाई फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी सारी एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम्स पोस्टपोन हुई है, मार्क माय वर्ड्स, एग्जाम सिर्फ पोस्टपोन हुई है, ना कि एग्जाम्स कैंसिल हुई है। एग्जाम पोस्टपोन हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम्स कैंसिल हुई है। हमें अभी भी पढ़ाई हमारी शुरू रखना है। हमें ये जो एक्स्ट्रा डेज हमें मिल रहे हैं, अराउंड 50 to 55 डेज का हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इस टाइम को हमें बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। जो लोग बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे थे, दे शुड गो फॉर रैंक। जिनका पढ़ाई अच्छा हुआ था, दे शुड नाउ प्रिपेयर फॉर रैंक। जिन्होंने, जो लोग सोच रहे थे कि एक ही ग्रुप दूंगा, दे शुड नाउ ट्राई फॉर बोथ द ग्रुप्स। या जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने सरेंडर कर दिया था कि नहीं भाई, अब की बार ये हमसे ना हो पाई, ये एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, मे अटेम हमारे लिए नहीं है। ऐसा जिन लोगों ने सोच लिया था, नाउ दे कैन अगेन ट्राई, दे कैन अगेन गिव इट अ ट्राई। एक बार फिर से वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और अभी भी अच्छा खासा समय है हमारे पास। अभी भी हम, आज से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इनफ टाइम है कि कि हम हमारा सारा सिलेबस एक बार पढ़ ले, ठीक है। तो ये जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, ये पोस्टपोनमेंट है, कैंसिल नहीं है, तो हमें रिलैक्स नहीं होना है। एक वादा करो, आप रिलैक्स नहीं होंगे, अभी भी आपको आपका पढ़ाई स्टार्ट रखना है। और इनफैक्ट ये जो आपका अपॉर्चुनिटी मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को एकदम बेस्ट यूटिलाइज करना है। हमें जो एक्सेस 50 डेज मिले, ये 50 डेज का हमें एकदम अच्छी तरह से यूज करना है। और इसमें हमें जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स रह गई थी पिछले 2-3 महीने से, हमारी पढ़ाई में जो भी कमी रह गई थी उसे हमें फुलफिल कर लेना है। ये 50 दिन को एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। जो पोस्टपोनमेंट हुआ है इसे हम एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करके जो भी हमारी पढ़ाई नहीं हुई थी वो पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई थी वो अब टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करेगा, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जो सोच रहा था कि मैं एक ग्रुप दूंगा, दे कैन नाउ थिंक ऑफ बोथ द ग्रुप्स। जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो गई थी, दे कैन ट्राई फॉर रैंक। ओके, तो इसके बाद मैं और भी वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा कि ये जो 50 डेज हमारा एक्सटेंशन मिला है और ये 21 डेज जो क्वारंटाइन के, इन्हें कैसे यूटिलाइज करना है। ओके।